4 जून 2024 को जब पूरा देश इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर आंखें गड़ाए बैठा था, उसी वक्त एनटीए ने रिजल्ट जारी किया नीट यूजी 2024 का। ये रिजल्ट 14 जून 2024 को रिलीज होना था और एनटीए ने 10 दिन पहले ही इस रिजल्ट को रिलीज कर दिया। हालांकि ऐसा एनटीए पहले भी करती आई है, पर इसी बार ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे सवाल एनटीए पे उठाए जा रहे हैं। एनटीए क्या है? NTA is a national testing agency, ये बहुत सारे exams conduct कराती है। NEET एक exam है medical entrance के लिए, जो कि इंडिया में एक ऐसा exam है जिसके बिना कोई भी candidate medical, dental या फिर आयुष courses के अंदर admission नहीं ले सकता है। इस रिजल्ट के आते ही सारी नजरें इस रिजल्ट पर आ गई, क्योंकि 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 मार्क्स यानी कि फुल मार्क्स ऑब्टेन किए। ऐसा कैसे हुआ? 2020, 2021, 2022 और 2023 मैक्स टू मैक्स 3 बच्चों ने टॉप किया विद 720 मार्क्स। 2023 में सिर्फ 2 बच्चों ने 720 में से 720 मार्क्स लिए थे। 2022 में एक भी कैंडिडेट के मार्क्स 720 नहीं आए थे, उस टाइम टॉपर्स 715 थी। 2022 में टॉपर्स 3 थे जिनके 720 में से 715 मार्क्स आए थे, और 2021 में 720 में से 720 सिर्फ 3 कैंडिडेट्स के आए थे। तो 2024 में ऐसा क्या नया हुआ कि 720 मार्क्स में से 720 मार्क्स 67 बच्चों के आए? जब एनटीए से ये बात पूछी गई तो एनटीए ने रिप्लाई किया कि इस बार कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा था, लगभग 24 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया 2024 में। लेकिन बहुत बड़ा चेंज तो नहीं है, क्योंकि 2023 में लगभग 21 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। तो क्या जो बाकी 3 लाख बड़े उन्हीं में से सारे टॉपर्स निकल कर आ गए, या ऐसा क्या हुआ कि सभी बच्चे सडनली इंटेलिजेंट हो गए, कि सबकी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई चली गई है? जहां बेसिक कट ऑफ जिसमें एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में भी हो सकता था वो 137-133 होती थी, के कंपैरिजन में वो इस बार सडनली 30 मार्क्स जंप करके 167 के आसपास हो गई। ऐसा क्या हुआ कि 640 मार्क्स पे जहां एडमिशन बहुत आराम से हो जाता था किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, वहां 670 वाले बच्चे को भी ये सोचना पड़ रहा है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? 650 मार्क्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, और जिन बच्चों के 650 मार्क्स तक आए हैं इसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। 720 में से 620 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, और उसके बावजूद दे आर नॉट एबल टू गेट एनी कॉलेज जो कि गवर्नमेंट हो। प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में आप बात करें तो हाँ, वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है। हर बच्चा 1 करोड़ रुपया तो बेयर नहीं कर सकता है। तो इसी तरीके की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में एनटीए इस बार फंसा है, सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारी पिटिशंस गई हैं। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे एनटीए पर इस बार सवाल उठ रहे हैं। सो द फर्स्ट इज केस ऑफ 67 टॉपर्स। 67 स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक यानी कि 720 आउट ऑफ 720 गेन किया। ऐसा कैसे हुआ जबकि पिछले इतने सारे सालों में 1 या 2 या मैक्स टू मैक्स 3 बच्चे ही टॉप रैंक लेकर आ पाए थे? सडनली ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे बच्चों की टॉप रैंक आई है? एनटीए ने इसके 2 रीजंस बताए। एनटीए ने 29th ऑफ मे को एक की रिलीज करी थी, आंसर की, जिससे बच्चों ने जब मैच किया तो फिजिक्स का एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन जो कि गलत बताया गया था, 13,000 स्टूडेंट्स ने उसको चैलेंज किया, और एनटीए ने डिसाइड किया कि उन सभी बच्चों को पेनलाइज नहीं किया जाएगा जिन्होंने भी गलत आंसर दिया, क्योंकि एनसीईआरटी के ओल्डर वर्जन के अंदर वो आंसर सही दिया हुआ था। तो एनटीए ने कहा कि हम ऐसे बच्चों को पेनलाइज नहीं कर सकते जिन्होंने न्यूअर वर्जन नहीं पढ़ा, क्योंकि हम एनसीईआरटी को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। सेकंड रीजन उन्होंने ये बताया कि 2024 के अंदर 24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, जबकि प्रीवियसली ये नंबर 3 लाख स्टूडेंट्स कम थे। अपेरेंटली 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी इजी था और इयर्स के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें 67 टॉपर्स के लिए क्या काफ़ी थी? अब इस चीज़ पर बहस चल सकती है, डिस्कशंस हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल की गई हैं, तो जब तक डिसाइड नहीं हो जाता हम कुछ कह नहीं सकते। बट हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, और हम ये तो बता ही सकते हैं कि एनटीए इस बार कटघरे में आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि जब एनटीए ने प्रेस मीटिंग्स की और क्वेश्चंस के आंसर दिए तब भी वो क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं दे पाए। सेकंड केस इज ऑड केस ऑफ 718 एंड 719 मार्क्स। नीट का पैटर्न ही कुछ इस तरीके का है कि अगर आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं देन यू विल गेट 720 मार्क्स, पर एक भी क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आपको 715 मार्क्स मिलेंगे। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे एनटीए पर इस बार सवाल उठ रहे हैं। तथा तो भी आपके मार्क्स 716 ही हो सकते हैं, 717, 18, 19 नहीं हो सकते हैं। बट देर आर 2 कैंडिडेट्स विच गॉट 718 एंड 19 मार्क्स।
जब किसी कैंडिडेट के मार्क्स 720 के बाद में 716 ही आ सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि किसी कैंडिडेट के 718 या 19 मार्क्स आ सकें। इस पर एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया कि दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के कुछ सेंटर्स पर बच्चों को अलॉटेड टाइम से टाइम कम मिला था और इस वजह से उनका पेपर पूरा नहीं हो पाया। जब उन कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया, तब एनटीए ने ग्रीवेंस एड्रेसल कमेटी बनाई और सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर ये डिसाइड किया गया कि कौन कौन से सेंटर्स में किन किन बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिला और उसके बेसिस पर उन बच्चों को एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब सोचने की बात यह है कि पहली बात तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से नोटिफिकेशन लेटर में दिए हुए ही नहीं थे। इन्फॉर्मेशन बुकलेट में इस तरीके का कोई प्रावधान दिया हुआ नहीं है कि अगर टाइम आपको नहीं मिल पाता है पूरा बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ अथॉरिटीज, तो आपको किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा, आपको नंबर्स किस तरीके से दिए जाएंगे और किस बेसिस पर आपको कितने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक गॉड कि किसी स्टूडेंट के 718 या 790 मार्क्स आए। अगर ये ना मार्क्स नहीं आते तो शायद ये बात कभी बाहर ही नहीं आ पाती कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी मिले। टोटल 1563 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें की ग्रेस मार्क्स दिए गए और इन कैंडिडेट्स का स्कोर 20 से लेकर 720 मार्क्स तक है और इन्हीं में से दो कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्हें 718 एंड 719 मार्क्स मिले एज एन कंपनसेटरी मार्क। जो थर्ड इंसिडेंट था वो पेपर लीक का था। इस बार एनटीए चारों तरफ से ही घिर गया। एफआईआर दर्ज हुई कि पटना के अंदर पेपर लीक हुआ और पुलिस ने ये बताया कि उन्होंने एडमिट कार्ड, पोस्ट डेटेड चेक्स एंड सर्टिफिकेट्स बरामद किए कुछ सस्पेक्ट से और उन सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये बताया कि जो प्रूफ मिले हैं ये पेपर लीक के कंप्लीट प्रूफ नहीं है। हालांकि अभी इसके अंदर आगे प्रोसीजर जारी है, कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया है और एनटीए ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन में अपना पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, अभी हाल फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमें इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश आते हैं उनके ऊपर। इसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई जब सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर जो कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे उन्हें इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया और वो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हॉल से पेपर सहित बाहर निकल गए। ऑल्दो एनटीए ने कहा कि 4 बजे उन्होंने एग्जामिनेशन पेपर इंटरनेट पर डाल दिया था, लेकिन तब तक में मोस्ट ऑफ द पेपर डन हो चुका था लोगों का और वो उस चीज को सॉर्ट नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट टॉपिक आया अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का। रिजल्ट डिक्लेयर होना था 14 जून को लेकिन रिजल्ट आ गया 4 जून को, जबकि पूरे देश की निगाहें थी इलेक्शन के रिजल्ट पर और हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर पर। ये भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर रिजल्ट को 4 जून को लाया गया ताकि जब लोग इलेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हों तभी ये रिजल्ट निकाल दिया जाए। बट ऐसा क्यों किया जाएगा इसका कोई अंदेशा नहीं है और एनटीए ने इसके क्लैरिफिकेशन में ये कहा कि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि एनटीए ने अपना जो भी डेजिग्नेटेड डेट होती है उसके कंपैरिजन में बहुत पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, सो दिस इज नॉट द एक्सेप्शन ऑफ दोज केसेस। रिसेंटली जब एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर किया और टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी करी, उसमें से 7 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि हरियाणा के एक ही सेंटर से टॉपर थे। इट इज वेरी लाइकली इम्पॉसिबल कि एक ही सेंटर से 7 टॉपर्स आ जाएं जिस एग्जाम में आज तक कभी 2 या 3 से ज्यादा टॉपर्स ही नहीं आए हो। अभी पता नहीं है कि कितने और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एनटीए को घेरा जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए सिचुएशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई है काउंसलिंग पर, लेकिन उन्होंने जवाब मांगा है एनटीए से कि इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज जो हुई हैं वो किस लिए हुई हैं। एनटीए का एग्जाम लगभग 24 लाख बच्चों ने दिया है और सीट्स लगभग 1,08,000 के आसपास है। 700 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर। अगर सभी सीट्स फुल होती हैं तब भी 23 लाख बच्चे बच जाते हैं और उनका करियर किसी और दिशा में चला जाता है। ये है इम्पोर्टेंस नीट की और नीट के जैसे एग्जाम्स के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो पता नहीं कौन से एग्जाम होंगे जिसमें हम स्पेयर बच पाएंगे किसी भी तरीके की धोखेधड़ी या भ्रष्टाचार से। 24 लाख नीट स्टूडेंट्स का करियर दांव पर है। इसके लिए एनटीए को और सुप्रीम कोर्ट को और हमारी जो भी सिस्टम है, जुडिशरी है, उन सबको मिलकर काम करना होगा। लेकिन आप भी शांति बनाए रखिएगा, किसी भी तरीके का कोई भी गलत कदम, कोई भी झूठी अफवाह को फैलाना या फिर कोई झूठा वीडियो बनाना खतरनाक हो सकता है आप सभी के लिए। तो इसलिए जो सच्चे लोग हैं उनका सपोर्ट कीजिए, झूठ से बचिए और इंतज़ार कीजिए, विश्वास रखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप आपको नीट कॉन्ट्रोवर्सी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी नया होता है तो शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू आई विल अपडेट, आप हाइलाइट्स को देखते रहिएगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी लगा दूंगी सो दैट यू कैन सी ऑल द डिटेल्स एंड अपडेट्स इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, स्पेशली मेडिकल एग्जामिनेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। मिनट उड़ गया पेपर। सच्चाई के साथ लड़िए। धन्यवाद।